कई दिनों से भारतीय चीन सीमा पर तनातनी देखने को मिल रही है। इसी बीच चीनी सैनिकों से झड़प में भारतीय कर्नल सहित दो जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गेट पर चीन के झंडे को आग के हवाले किया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि चीन द्वारा लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की जा रही है, चीन लगातार हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है, चीनी सेना ने अब हद कर दी है, हमारे भारतीय सेना के एक कर्नल और दो जवान शहीद हो गए हैं, चीन को इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। जिस तरीके से चीन ने भारत पे हमला करा और कई जवान कई अधिकारी हमारे शहीद हुए, तो चीन के खिलाफ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, मुकेश यादव नियम का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत और चीन का झंडा जो जलाया गया, भारत माता की जय के नारे लगाए गए, चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, ये देशवासियों का सच्चा प्रेम है। भारत का हर नागरिक जो है इस लड़ाई में जो है भारत के साथ है और भारत जो है चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा।